हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन और भी बेहतरीन हो, मैं भी उसके लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ। इसी श्रेणी में मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ आज। इस वीडियो में हम लोग BEGS 185 को डिस्कस करेंगे और ये जो BEGS 185 का वीडियो सेशन होगा दोस्तों, ये लास्ट वीडियो सेशन होगा। इससे पहले इस सब्जेक्ट की एक वीडियो सेशन आ चुकी है और वो वीडियो अभी YouTube पे अवेलेबल है, आप चाहें तो जाकर के उसे देख सकते हैं। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो सेशन को देख लीजिए, उसमें 10-11 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, उसको करने के बाद आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आई होप इन सभी बातों को आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे बात करते हैं कि मुद्दा क्या है हम लोगों के आज के डिस्कशन का। तो डिस्कशन का टॉपिक है हम लोगों का BEGS 185। इसमें कुल मिला के हम लोग आज 8-9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, आई होप इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आंसर है यस, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अभी देखेंगे। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये इग्नू टिप्स असाइनमेंट के नाम से जानी जाती थी ये चैनल, लेकिन अब ये अंशु पब्लिशर्स हो चुकी है। ठीक है, और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये आप लोगों को अंशु पब्लिशर्स के नाम से ही मिलेगी, चाहे वेबसाइट पे जाए, चाहे यूट्यूब पे जाए, चाहे अन्य किसी भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाए या फेसबुक प्रोफाइल वगैरह पे जाए, सब जगह आपको ये अंशु पब्लिशर्स के नाम से ही मिलेगी। अब दूसरी बात ये है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये आप लोगों का मुद्दा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को जो उचित लगे वो आप लोग कर दीजिएगा। ये छोटा सा एडवर्टीजमेंट है, इसमें ये हमने ये बता रखा है कि इग्नोटिव असाइनमेंट बोल रहा था मैं, पहले तो इग्नोटिव असाइनमेंट था ही ना। तो मेरा कहना यह है कि अंशु पब्लिशर्स इन सभी चीज़ों में डील करती है, जिनको चाहिए वो या तो anshupublishers.com पे जाके ले सकते हैं या फिर 9523779253 या फिर ये सेकेंडरी नंबर पे व्हाट्सअप करके पा सकते हैं या फिर anshupublishers@gmail.com पर मेल करके भी आप अपने रिक्वायर्ड मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये है 9523779253 वाला व्हाट्सएप नंबर। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि आप लोग इसमें अक्सर क्या करते हैं कि 2 मिनट का भी वेट नहीं करते, आप लोग तुरंत 2 मिनट मैसेज करने के अंदर कॉल करने लगते हैं। आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं अकेला क्या क्या करूंगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए और मेरे तरफ से रिप्लाई करने का इंतजार कीजिए। मैं खुद अपनी ओर से प्रयास करता हूँ, मैं आप लोगों को ऑन टाइम रिप्लाई दे दूँ, लेकिन होता क्या है ना कि मैं एक ही काम को लेकर बैठा नहीं रह सकता हूँ ना, मुझे कई काम होते हैं, मुझे सब कुछ देखना होता है और तभी समय निकाल के मैं आप लोगों के लिए भी ये काम करता हूँ। तो क्या होता है कि थोड़े बहुत रिप्लाई देने में लेट हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, परेशान करने लगते हैं, यहाँ तक कि इवन 12 बजे रात को भी कॉल कर देते हैं आप लोग। तो ये गलत बात है, थोड़ा समझना चाहिए कि मैं आप लोगों के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस तरीके से करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब मुद्दे पर आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग्स को। अब मुद्दे पर आते हैं सीधे, हमें डिस्कस क्या करना है देखते हैं। यही है BEGS 185, यही हम लोगों को आज डिस्कस करना है और इसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को डिस्कस करेंगे, यही इसका टाइटल है, सब्जेक्ट टाइटल। गैस पेपर, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर एनालिसिस वगैरह हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है लर्निंग स्टाइल प्रेफरेंस, सेंसरी प्रेफरेंस, वाक मॉडल, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, ये इंडक्टिव लर्निंग, डिडक्टिव लर्निंग, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग, लर्निंग प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वगैरह, ये सब हम लोग देख चुके हैं, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। इसमें से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन देख चुके हैं, सीधे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। कहाँ गया वही 11वां नंबर, हाँ, क्वेश्चन है हम लोगों के डिस्कशन का, डिस्क्राइब अबाउट क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स, ये हम लोगों को आज डिस्कस करना है। इसके लिए मैं एक ब्लैक स्क्रीन लेता हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा है वो तो वही है जो मैं बताऊँगा, और क्या है। देखिए, सबसे पहले क्लासरूम की बात करते हैं, क्लासरूम होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं कक्षा कक्ष। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ये होता क्या है, जैसे ये एक छोटा सा स्पेस है, इस स्पेस के अंदर 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं और इसी स्पेस में एक टीचर बैठे हुए हैं और ये टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चे टीचर से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, क्लासरूम। ठीक है, इंटरेक्शनल की बात करते हैं। अब इंटरेक्शनल का मतलब होता है पारस्परिक, पारस्परिक हम कह सकते हैं आपस में। ठीक है, अब डिस्कोर्स की बात करते हैं, डिस्कोर्स, DISCOURSE, डिस्कोर्स, संवाद। अब देखिए, ये संवाद के कई तरीके होते हैं, कई मेथड होते हैं और या इसके हम ये कह सकते हैं इसके कई प्रकार होते हैं।
तो देखिए प्रकार का मतलब हो गया, जैसे कि दो लोगों के बीच संवाद होता है, दो से ज्यादा लोगों के बीच संवाद होता है, इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, या आपस में कन्वर्जेशन वगैरह होते हैं, तो ये सभी डिस्कोर्स का एक एग्जाम्पल है। तो हमारा मेन टॉपिक है कि क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स होता क्या है। क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स ये होता क्या है, कक्षा कक्ष में जो पारस्परिक संवाद होते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कोर्स, इसका पहला ये टाइप हो गया। दूसरा होता है ट्रेडिशनल क्लासरूम डिस्कोर्स। तो ये दो टाइप होते हैं दोस्तों, इसी को हम लोगों को डिस्कस करना है। ये हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, ये वाला, ये जो ये वाला है ये नहीं है, ये हमारे डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। हाँ एक बात और दोस्तों, आज है ना शादी का सीजन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत क्या हो रहा है कि डीजे वगैरह आसपास से गुजर रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी जगे हुए हैं शादी वगैरह की वजह से, तो वो बाइक वगैरह लेके आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हॉर्न वगैरह की साउंड जो आपको सुनाई दे सकती है अभी, हालांकि ये रात के 12 बजने वाले हैं, 12 या 12 से ज़्यादा ही हो चुका है, फिर भी आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सीधे मुद्दे पर आते हैं, तो ट्रेडिशनल डिस्कोर्स की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शिक्षा पद्धति में, हमारे शिक्षा के जो मीडियम है या साधन है, या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग से ही, हमेशा से ही ये चलता आ रहा है कि शिक्षक जो है बच्चे को बताते हैं, बच्चे को ज्ञान देते हैं। ठीक है, आप स्कूल वगैरह जाते होंगे, आपने देखा होगा कि शिक्षक आपको समझा देते हैं, बता देते हैं और चले जाते हैं। आप उसे वो कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं रखते हैं कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या पाया, लेकिन वो अपना काम बखूबी निभाते हैं, वो आपको आके बता के चले जाते हैं। तो इस तरीके का जो डिस्कोर्स हुआ, इस तरीके का जो संवाद हुआ, जिसमें शिक्षक केवल शिक्षक अपनी बात कह के बच्चों को सुना करके चले जाते हैं, इसे हम ट्रेडिशनल क्लासरूम डिस्कोर्स कहेंगे। ये एक पुराना मेथड ऑफ एजुकेशन है, पुराना जो ओल्ड मेथड ऑफ लर्निंग है, हम इसे कह सकते हैं। बट अभी का जो दौर है वो थोड़ा बदल चुका है। अब बच्चे जो हैं अपने विचार रखते हैं, समझ में आ रही है ना मेरी बात। टीचर ने जो पढ़ाया, बच्चे उस पर काउंटर जो भी सवाल वगैरह पूछते हैं या फिर अपने थॉट्स वगैरह रखते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स। तो थोड़ा सा जो मेथड चेंज हुआ, इसी को क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स का नाम दिया गया। इसमें होता क्या है कि केवल और केवल शिक्षक नहीं पढ़ाते, अपितु इसमें बच्चे भी अपने राय विचार रखते हैं, और शिक्षक उसे जानते हैं, समझते हैं, और अगर उसमें कोई कमी अथवा त्रुटि होती है तो शिक्षक उसको सुधारते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन क्लासरूम इज नोन एज क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स। तो मेरी बात आप लोग समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब चलिए सीधे चलते हैं कि वहां पर कुछ लाइनें लिखी हुई थी आपके क्वेश्चन में, जो अभी स्लाइड चल रही थी उसमें क्या बातें लिखी हुई थी वो देखते हैं हम लोग। तो यह है क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स। क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स और कॉम्पिटेंस CIC, ये जो डिस्कोर्स है यहाँ पर आप कॉम्पिटेंस भी कर लीजिए, हालांकि दोनों का मतलब एक ही है। तो क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस इज डिफाइंड एज टीचर्स एंड लर्नर्स एबिलिटी टू यूज इंटरेक्शन एज अ टूल फॉर मीडिएटिंग एंड असिस्टिंग लर्निंग। पुट्स दिस नोशन ऑफ CIC पुट्स इंटरेक्शन एट द सेंटर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड आस्क्स दैट बाय इंप्रूविंग CIC बोथ टीचर्स एंड लर्नर विल इमीडिएटली इंप्रूव लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। व्हेन वी इंटरेक्ट इन द क्लासरूम वी ऑफन फोकस ऑन द लर्नर्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस करेक्ट अटरेंस रेदर देन टू नेगोशिएट मीनिंग और क्लैरिफाई अ पॉइंट ऑफ व्यू और आइडिया। देयरफॉर टीचर्स need to consider how effectively learners interact. In other words, our attempt should be to understand how well a student co-constructs meaning with other student and teachers. Thus, CIC demands a shift in focus on individual learner to collective competence. Proponents of this idea of CIC argue that being accurate and fluent speakers in themselves is not sufficient. तो यही छोटी मोटी बातें यहाँ लिखी गई हैं कि teachers और learner आपस में जब बात करते हैं, आपस में जब संवाद करते हैं, तो वो एक तरीके से संवाद को हम एक हथियार के तौर पर मान सकते हैं, या टीचर लर्नर एक हथियार, एक टूल के तौर पर मान सकते हैं, और इसी टूल के माध्यम से टीचर लर्नर आपस में इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे के राय विचार को जानने की कोशिश करते हैं। और ये जो क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स है, ये एक नए तरीके का डिस्कोर्स है, एक मॉडर्न टाइप का डिस्कोर्स है, जिसके अंदर एक शिक्षक केवल पढ़ाते नहीं है बल्कि वो बच्चों की भी सुनते हैं। और इससे होता क्या है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक लिसनर नहीं बनते बल्कि एक स्पीकर बनते हैं,
बोलने वाले भी बनते, सिर्फ सुनने वाले नहीं अपितु बोलने वाले भी बनते। हालांकि उसकी फ्लुएंसी कम हो, एक लर्नर की फ्लुएंसी कम हो, स्टूडेंट थोड़ा कम बोलता हो, थोड़ा मतलब टूटे फूटे लहजे में बोलता हो, लेकिन बोलता हो, इसे ही हम क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स की संज्ञा देंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसे हम कह सकते हैं इंटरनेट इंटरेक्शनल डिस्कोर्स, या इसको हम सीधे कह सकते हैं ट्रेडिशनल इंटरनेट डिस्कोर्स, ठीक है, इंटरनेट डिस्कोर्स कह सकते हैं। दो बातें, या तो इंटरनेट इंटरेक्शनल डिस्कोर्स कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल इंटरेक्शनल डिस्कोर्स। अब क्यों, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, आपके पास कोई मीडियम है तुरंत में, नहीं, तो मैं आपको बता के चला जा रहा हूँ, मैं गलत पढ़ाऊँ सही पढ़ाऊँ, आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, आपको मुझे भी कोई आइडिया नहीं है आप क्या समझ रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने अपने माइंड में क्या फील कर रहे हैं। तो ये हो गया ट्रेडिशनल इंटरेक्शनल डिस्कोर्स, क्योंकि इसमें आप, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन आप मुझे अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया ट्रेडिशनल। वहीं अगर थोड़ा सा मेथड चेंज करते हैं, मेथड चेंज करके मैं आपको बोलता हूँ भैया मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप इसको देखेंगे, और देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार आएंगे कि सर आपने ये गलत बताया ये सही बताया, या फिर आपके मन में कुछ आइडिया आए कि सर ये आप थोड़ा कम बता दिए इसको थोड़ा ऐड करके बता दीजिए, तो आप अगर फीडबैक वगैरह देते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे आके दे, चाहे आप मेरे यूट्यूब कमेंट में चैनल के कमेंट में अगर आप कोई फीडबैक वगैरह देते हैं, तो वो क्या हो गया एक तरीके से, वो अगर मैं आपकी बातों को सुन लेता हूँ, मैं आपकी बातों को देखता हूँ और मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ, तो यही हो जाएगा इंटरनेट इंटरेक्शनल डिस्कोर्स, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से कन्वर्सेशन हुआ है, पहले तो मैंने आपको बताया समझाया, फिर इन रिस्पॉन्स आपने मेरे को फीडबैक दिया, या फिर अपने थॉट्स जो है मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेजे। अगर इस एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेता हूँ आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं आप सभी, और वहाँ पर आपके टीचर आते हैं और आपको दहेज के बारे में बता के चले जाते हैं कि दहेज प्रथा ये है वो है फलाना है ढिमकाना, आपको बता के चल देते हैं, भैया उसको मतलब नहीं रहता कि आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, तो वो हो जाएगा ट्रेडिशनल इंटरेक्शनल डिस्कोर्स, क्योंकि उसमें आपको टीचर ने तो बता दिया लेकिन आपने टीचर से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वहीं अगर थोड़ा सा मेथड चेंज करते, टीचर ने आपको दहेज के बारे में बताया, दहेज के बारे में बताने के, और वो आपसे पूछते हैं कि बच्चों आपने क्या समझा, और इन रिस्पॉन्स अगर आप उसको बताते हैं, उनको बताते हैं सर मैंने ये चीज़ें समझी है और आपने जो ये बातें बताई हैं इसमें से थोड़ी बहुत चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं तो आप इसको ऐड कर दीजिए सर, तो ये जो डिस्कोर्स होगा, ये जो संवाद होगा, ये जो आपस में बातें होंगी, ये जो इंटरेक्शन होगा, पारस्परिक इंटरेक्शन होगा, पारस्परिक बातें होंगी, इसे हम क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स की संज्ञा देंगे। आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब चलिए अगले पेज पर देखते हैं, अगला पेज में लिखा हुआ क्या, इसमें छोटी मोटी बातें लिखी गई हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी बातें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब सीधे चलते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, फीचर्स क्या है, मतलब इसके अच्छे क्वालिटी क्या है क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स के। तो देखिए ये क्लैरिटी और डिस्टिंक्टिवनेस लाता है स्पीच में, डिस्टिंक्टिवनेस, क्लटरिंग कर रहा हूँ मैं, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया होगा क्लटरिंग क्या होता है। तो देखिए होता क्या है कि एक तो टीचर ने जो बताया उनकी भी फ्लुएंसी बढ़ी, और बच्चे जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इनसे उनकी क्लैरिटी भी बढ़ी, उनके मन में जो डाउट वगैरह थे वो भी सॉल्व हुए, और वो एक अच्छे तरीके से लिसनर बनने की कोशिश भी करने लगे। इंटरेक्शन से क्या होता है कि टीचर को ये समझ में आ जाता है कि बच्चे ने क्या समझा, बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, बच्चे के अंदर क्या इंटेलिजेंसी है, क्या बुद्धिमत्ता है, और बच्चे के अंदर क्या एक्सेलेंस है, क्या क्षमताएँ हैं, और इस तरीके से टीचर जो है स्टूडेंट को लीड कर पाता है, लर्नर्स को लीड कर पाता है कि भैया तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से लर्नर को क्या किया जाता है क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स के माध्यम से, कि लर्नर्स को थिंक करने के लिए, मतलब सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, उनको मौका दिया जाता है कि भैया आप भी इसके बारे में सोचिए। जैसे टीचर ने आपको बता दिया कि दहेज प्रथा क्या है, उसके बाद आपसे पूछते हैं कि भैया मैंने तो आपको बता दिया दहेज प्रथा क्या है, लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि क्या दहेज प्रथा सच में एक कुरीति है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दहेज प्रथा समय की जरूरत है, या फिर हो सकता है पहले जमाने में इसे अच्छा माना जाता हो, तो इस पर आप अपने राय विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन तो आप लोगों से टीचर ने पूछ लिया, जब आप इसके आंसर को करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नई चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा, तो आप उस सब्जेक्ट एरिया में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होता है कि लर्नर को मदद मिलती है समझने में, सोचने में, बोलने में, ठीक है, और लर्नर नए नए टॉपिक से रोज इंटरेक्ट होते रहते हैं। अब है नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, तो क्लासरूम डिस्कोर्स का जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी है, तो देखिए प्रकृति की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें होता क्या है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास पावर होता है, और लगभग इक्वल पावर होता है कि टीचर ने जो बात बताई स्टूडेंट उसके रेस्पेक्ट में
फीडबैक देता है। टीचर और स्टूडेंट अपना अपना एजेंडा लेकर के क्लासरूम में आते हैं, जिससे दहेज प्रथा पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम ये पाते हैं कि दहेज प्रथा पर शिक्षक ने जो बताया वो सही, बट स्टूडेंट ने जो बताया वो भी सही। उसमें भी अब दोनों ने आपस में डिस्कशन किया, जो सही रहा जिन जिन पॉइंट को ऐड करना किया जा सकता था टीचर ने उसको ऐड किया और बाकी सारे बच्चों को बताया और बाकी सारे बच्चों ने भी सीखा, उन्होंने भी डिस्कशन किया। तो इस तरीके के इंटरेक्शन से क्या होता है कि एक तरीके का अच्छा खासा कम्युनिकेशन डेवलप होता है और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर की जो पावर रिलेशनशिप है वो पावरफुल होती है और स्टूडेंट और टीचर आपस में एक दूसरे से घुलते मिलते हैं और नई नई बातों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं रोल ऑफ टीचर एक क्लासरूम इंटरेक्शनल डिस्कोर्स में। रोल क्या होता है टीचर का? तो टीचर क्या करता है, एक पढ़ने का एटमोसफेयर क्रिएट करता है, समझ गए ना, यहाँ पर है कॉन्जेंशियल, इसको बोलते हैं अनुकूल, तो वो पढ़ाई के अनुकूल एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं। टीचर स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि भैया तुम भी कुछ सोचो, कुछ नए आइडियाज लाओ, कुछ प्लान वगैरह लेकर के आओ क्लास में, तब हम लोग अच्छा खासा कुछ डिस्कस कर लेंगे, मजा आएगा करने में। ठीक है, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी बोल सकते हैं इसको। अब आगे चलते हैं, टीचर जो है एक तरीके से क्या करता है कि स्टूडेंट के माइंड को बहुत अच्छे से डेवलप करने की कोशिश करता है और वो बताने की कोशिश करता है कि भैया तुम जो है अपने स्टडी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब है कि यूजफुलनेस ऑफ क्लासरूम इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन टू वे स्ट्रीट होता है। देखिए दोस्तों, इंट्रैक्शन मतलब संवाद वगैरह जो होते हैं वो दो तरीके से तो होते हैं, दो तरफा होते हैं, एक तरफा कभी नहीं होता। आपको सामने में बैठा दिया जाए, मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं, तो ये इंट्रैक्शन नहीं हुआ। इसे बोल सकते हैं हम भैंस के आगे बीन बजाना, जैसे मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था। आप लोग यूट्यूब खोल के बैठ जाएंगे, ठीक है, ये क्लासरूम, ये क्लास वगैरह अपलोड रहेंगी, आप क्लास लगा के किसी बाबू सोना के ख्यालों में खो जाएंगे, तो उसे हम लोग इंट्रैक्शन नहीं कहेंगे, उसे हम लोग ये डिस्कोर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे इंटरनेट डिस्कोर्स तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उसे हम कह सकते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ आप लोगों की, जस्ट एक मुहावरा है, ठीक है, हिंदी का मुहावरा है, मतलब सामने वाले के को कुछ भी फर्क नहीं पड़ना बोलने पर भी, इसका मतलब यही होता है, अगर किसी को बुरा लग जाए तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। तो इंट्रैक्शन टू वे स्ट्रीट होता है, इसमें दो लोगों का होना जरूरी है और दोनों तरीके से इंट्रैक्शन होता है। इसमें क्लैरिटी अचीव की जाती है और ये क्लैरिटी टीचर में भी होती है और अचीवमेंट अचीव होती है और फिर स्टूडेंट भी इस तरीके के क्लैरिटी को अचीव करते हैं और धीरे धीरे लर्नर्स जो स्टूडेंट होते हैं वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, अपने आप में एक तरीके से जो झिझक होती है उसको समाप्त करते हैं और नई नई बातों को लोगों के सामने रखना सीखते हैं। कम से कम भले ही वो 100% बातों को नहीं सीखे, लेकिन कम से कम जो 50% उन्होंने सीखा है वो दूसरे को बांट सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में जो क्लासरूम इंटरनेशनल डिस्कोर्स है वो बहुत ज़रूरी है और इसी क्लासरूम इंटरनेशनल डिस्कोर्स के माध्यम से आजकल मैक्सिमम स्कूल्स वगैरह कॉलेज वगैरह में पढ़ाई लिखाई चल रही है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। तो ये जो टर्म स्कैफोल्डिंग है, इसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1970 में और इस स्कैफोल्डिंग वर्ड को क्वाइंड किया था, डिराइव किया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जियोरोम बर्नर ने। ठीक है, जियोरोम बर्नर थे शायद, हाँ जियोरोम बर्नर। तो स्कैफोल्डिंग रिफर्स टू अ मेथड वेयर टीचर ऑफन ऑफर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सपोर्ट टू सब्जेक्ट्स टू स्टूडेंट्स एज दे लर्न एंड डेवलप ए न्यू कंसेप्ट और स्किल। इट इज इन द इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग मॉडल, ए टीचर में शेयर न्यू इन्फॉर्मेशन और डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। द टीचर देन ग्रेजुअली स्टेप बैक एंड लेट्स स्टूडेंट प्रैक्टिस ऑन देयर ऑन। इट ऑल्सो कैन इन्वॉल्व ग्रुप प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखिए स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में कुछ बचा कुछ है क्या। अच्छा हाँ, थोड़ा सा बचा हुआ, एक ही बार में सबको समेट देंगे। द मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग इज ऑल्सो समटाइम डिस्क्राइब एज आई डू वी डू यू डू। इन अदर वर्ड, द टीचर समटाइम शोज हाउ समथिंग इज डन, देन द क्लासरूम प्रैक्टिस टुगेदर एंड फाइनली स्टूडेंट्स वर्क इंडिविजुअली। स्कैफोल्डिंग जो होता है दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं एक तरीके का एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग होती है। ठीक है, इसमें अब होता क्या है स्कैफोल्डिंग, ये मैं बताता हूँ आपको। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में हम कह सकते हैं मचान बांधना। अब ये मचान बांधना का ये मतलब नहीं हुआ कि बांस का मचान बांध दिया या बाड़ बांधना, ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं
रीडिंग वॉल तैयार करना। जैसे होता है ना मूवी वगैरह होती है, तो मूवी ऐसे थोड़ी हो जाती है, छोड़िए मूवी वाला एग्जांपल छोड़िए, मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको घर बनाना है, ठीक है, घर बनाने के दरमियान ईंट सीमेंट बालू छड़ वगैरह लगते हैं, आपने सोचा और घर बन गया क्या? नहीं, नहीं होता ऐसा। जब आप सोचते हैं उसके बाद ईंट मंगाते हैं, बालू मंगाते हैं, सीमेंट मंगाते हैं, ठीक है, उसके बाद और भी अन्य चीज़ें मंगाते हैं, तब उनको इकट्ठा करते हैं, तब मिस्त्री को बुलाते हैं, तब मिस्त्री आपके लिए घर बनाता है। तो ये जो ईंट इकट्ठा करना, बालू वगैरह लाना, ये वो करना, तो इसे हम कह सकते हैं मचान बांधना या बाड़ बांधना। मतलब कि जो पहली प्रारंभिक चीज़ें हैं उसको स्टार्ट करना, उसको कंप्लीट, उसको मतलब अवेलेबल करना, और उसके बाद उसको एक आदमी को दे देना ताकि वो खुद उस काम को कर सके, ठीक है। तो इसे हम स्केफोल्डिंग कहते हैं नॉर्मल भाषा में। लेकिन अब अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में क्या स्केफोल्डिंग होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसको हम कह सकते हैं लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज और लाइव या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वगैरह कह सकते हैं। जैसे आप कोई सी केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री लैब में जो जाते हैं उस समय क्या होता है कि टीचर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि जिसका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं रहा होगा तो वो नहीं जानते होंगे, और अगर किसी का केमिस्ट्री का बैकग्राउंड रहा, अगर वो लैब वगैरह गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि टीचर पहले क्या करते हैं कि लैब में स्टूडेंट को करके बताते हैं कि भैया देखो देखो ये एक कंटेनर है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, CuSO4+NaCl था शायद, चलिए ये वाला रहने दीजिए, एग्जैक्ट रिएक्शन मेरे को याद नहीं आ रहा है, बस इतना मान के चलिए कि एक नॉर्मल सा ये होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है, और उस एक्सपेरिमेंट को पहले टीचर आपके लिए करते हैं, फिर टीचर आपके साथ मिल करके करते हैं, पहले टीचर आपके लिए करते हैं और आप टीचर को देखते हैं, फिर टीचर आपके साथ मिल करके करते हैं, मतलब आप भी करते हैं टीचर भी करते हैं, फिर बाद में टीचर क्या करते हैं सीट बैक हो जाते हैं, मतलब आपस में पीछे बैठ के रिलैक्स करने लगते हैं और आपको वो करने को छोड़ देते हैं। तो ये जो मेथड ऑफ लर्निंग है इसे हम कहते हैं स्केफोल्डिंग। इसमें क्या है कि पहले टीचर खुद करेंगे, फिर आपके साथ मिलकर टीचर काम को करेंगे, फिर आपको करने के लिए छोड़ देंगे, और फिर बाद में अगर कोई कमी अथवा त्रुटि होगी तो उसको वो ढूंढ करके आपको बता देंगे भैया ये गलती है आपकी, इसको इसको आप सुधार लीजिएगा। तो दैट मेथड इज नोन एज स्केफोल्डिंग, ठीक है, समझ गए ना? आई डू, वी डू, यू डू, यही इसका मेन थीम है, और इसको आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब है व्हाट इज क्ली और कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये क्या होता है? तो CLIL क्लील बोलिए या CLIL जो मन है वो बोलिए। कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग एज द टर्म सजेस्ट, दिस अप्रोच इज यूज टू टीच स्टूडेंट अबाउट अ न्यू सब्जेक्ट इन अ लैंग्वेज फॉरेन टू देम। थ्रू क्ली स्टूडेंट नॉट ओनली लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज बट ऑल्सो लर्न अबाउट अ टॉपिक टोटली न्यू टू देम, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग और क्लाइमेटिक चेंज। इफ स्टूडेंट आर फेमिलियर विद द सब्जेक्ट then the approach is not clean, therefore the student of this approach relies on the interaction of the new language and the new learning content. The subject can be anything really, from painting and the physics to life skills. तो देखिए क्लील या जो कंटेंट लर्निंग, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग है, इसमें होता क्या है कि एक लर्नर जो है ना वो वैसी भाषा में चीज़ों को सीखता है जो उसके लिए एक नई भाषा है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात आप लोग? एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, जस्ट एक मिनट, सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा पानी पीने लग गया था, गला सूखने लग गया था, तो इस वजह से मैंने कहा एक सेकंड। खैर चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दा ये था कि हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, तो हम लोग CLIL डिस्कस कर रहे थे। देखिए होता क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, जिनको हिंदी की अच्छी खासी नॉलेज है लेकिन इंग्लिश की उतनी नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैंने आपको भी क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया, मान लेते हैं मैंने आपको क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बताया और मैंने आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें बता दी और मैं बताकर चला गया, तब उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप लोग इंग्लिश में बातों को समझने की कोशिश करेंगे, और जब आप इसको समझ जाएंगे तो यही जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को हम कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग कहेंगे। इसमें देखिए दो चीजें हुई, पहली चीज तो ये हुई कि आपने कुछ कंटेंट को ग्रेस्प किया, आपने कुछ कंटेंट को सीखा। जैसे आपने सीखा किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, आपने इस टॉपिक के बारे में सीखा, क्या सीखा आपने,
तो आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखा, पहली बात तो आपको कंटेंट का नॉलेज हुआ, एंड द सेकेंडरी थिंग एंड द सेकेंडरी पॉइंट इज दैट आपने इसमें लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा बहुत सीखा, जैसे मैंने आपको बता दिया सारी बातें, आपको समझा दी। आपको आफ्टर दैट आपने उसको खुद से पढ़ने की कोशिश की, जब आपने उसे पढ़ा तो हो सकता है आपको कहीं पर ग्रामर ग्रामर वगैरह के नॉलेज आपके कम पड़ गए होंगे, तो आपने कुछ ग्रामर ग्रामर्स बुक ग्रामर बुक्स वगैरह की मदद ली होगी, या फिर हो सकता है कि आपने ट्रांसलेशन वगैरह इधर उधर कहीं किन्हीं चीज़ों की मदद ली होगी, तब फिर इस सिचुएशन में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली, और वो क्या है, वो फॉरेन लैंग्वेज, वो अननोन लैंग्वेज जो आपके लिए बिल्कुल नई है। आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखा, कंटेंट सीखा, आपको हिंदी आती है, आपने इंग्लिश में इसको सीखा, तो इस तरीके से आपने क्या किया, तो कंटेंट भी सीख लिया एंड लैंग्वेज भी सीख लिया, एंड दैट इज नोन एज क्लील, और वी कैन से दैट कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। क्लील बोलिए, CLIL बोलिए, ये आप पे डिपेंड करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड व्हेन चूजिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो एक शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब वो पढ़ाने के लिए मटेरियल को चूज करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको शॉर्ट में बता देता हूं, वो आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, इज द मटेरियल करेक्ट। देखिए मुद्दा तो ये है कि हमारे आजकल के सराउंडिंग में इतने सारे कंटेंट भरे पड़े हैं, इतने सारे मटेरियल भरे पड़े हैं कि कोई चर्चा ही नहीं है, लेकिन क्या सबको पढ़ पाना संभव है, या क्या सब में सही बातें ही लिखी हुई होंगी? मे बी कई सारे एरर्स अलग अलग कंटेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर को ये चाहिए कि वो कम से कम एरर वाले मटेरियल को उठाए और लगभग 99.99% करेक्ट मटेरियल को उठाए और उन्हीं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को बच्चे को पढ़ के बताए, बच्चे को समझाए, या बच्चे को रिकमेंड करें कि भैया ये मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से अधिकतर बच्चे ये जानते हैं कि अधिकतर बच्चे नहीं, जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ रखी होगी तो उनको ये पता होगा कि विटामिन की जो डिस्कवरी है वो फंक ने की, लेकिन ये गलत है, ठीक है। उसकी डिस्कवरी कोई किसी और साइंटिस्ट ने की थी, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया है, जस्ट क्या था ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन अधिकतर बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी डिस्कवरी किसी और साइंटिस्ट ने की थी, बट ये जो फंक थे और इसके साथ एक साइंटिस्ट और थे, इन्होंने विटामिन को विटामिन का नाम दिया था, प्लस विटामिन की थ्योरी दी थी, वाइटल रिएक्शंस की थ्योरी दी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अधिकतर बुक में यही लिखा हुआ है कि फंक ने डिस्कवरी की है, तो हमें मानना पड़ता है। तो इस तरीके से मटेरियल करेक्ट होना चाहिए और मेथडोलॉजी अपडेट होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि अब आप एक टीचर हैं, आप क्या करेंगे, अभी का ज़माना क्या है, डिजिटल क्लासरूम का, डिजिटल क्लासरूम मतलब डिजिटल क्लास बोर्ड है, डिजिटल क्लास बोर्ड पे पढ़ा दिए, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा दिए, स्लाइड वगैरह बना के पढ़ा दिए, ठीक है। तो इस समय में आपको कोई अभी बोर्ड मार्कर वगैरह पे पढ़ाए या कॉपी पे लिख के पढ़ाए, ठीक है, तो आपको लगेगा भैया क्या बोरिंग पढ़ा रहे हैं, तो मेथडोलॉजी को भी अपडेट करना पड़ता है, पढ़ाने के तरीके को अपडेट रखना होता है, क्लियर। जैसे मैं आपको स्लाइड के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, हालांकि ये अभी भी उतना अपडेटेड नहीं है, मेरी मेथडोलॉजी पुरानी है क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। तो इन छोटे मोटे रिसोर्सेज में मुझसे जितना हो पाता है मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो मुद्दा यह है कि इसी को मेथडोलॉजी कहेंगे, जिस मेथडोलॉजी से टीचर आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। डू द मटेरियल फिट्स योर टीचिंग स्टाइल। अब टीचर हैं आप, आपको आपके टीचिंग स्टाइल को फिट करता है या नहीं करता है मटेरियल, ये भी मुद्दा रखता है। मैं चाहता तो मैं आपको पूरे बुक पढ़ा सकता था, बुक को उठा करके खोल के पढ़ा देता, लेकिन उसमें हजार बातें ऐसे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो मैं उस मटेरियल को छांट के मैंने आपके लिए ये लाया ना, ये स्लाइड लाई, तो ये मेरे टीचिंग स्टाइल को फिट करता है, इसीलिए मैं ये लेकर के आया हूँ। अगर ये मेरे टीचिंग स्टाइल को फिट नहीं करता तो मैं नहीं लाता। तो टीचिंग स्टाइल के लिए फिटिंग मटेरियल भी होना चाहिए और इसी फिट मटेरियल के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। Do they address multiple intelligences and are all the practice exercises in the same format? तो इसमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो एक मतलब material है उसमें सारे के सारे content है या नहीं, multiple intelligences mix है या नहीं। पिछले session में मैंने आप लोगों को multiple intelligences के बारे में बताया था, 9 multiple intelligences होते हैं, वो है या नहीं आपके content में, ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। अगली बात है कि आपको किसी कंपनी के द्वारा बनाए गए मटेरियल पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है।
टीचर्स मेड मटेरियल एड्रेस ऑल ऑफ द एबव ऑल्दो टाइम कंज्यूमिंग यू कैन क्रिएट अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स और एक्टिविटीज एंड बिल्ड ऑन देम ओवर टाइम। तो कोई कंपनी बुक वगैरह छापती है ना, हमको केवल उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि एज अ टीचर हमें खुद से मटेरियल डेवलप करना चाहिए और उन्हीं मटेरियल्स को स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके, स्टूडेंट अच्छे से समझ सके, क्योंकि एक टीचर के मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग से और ये काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं स्टूडेंट के लिए। क्लियर? अब व्हाट इज IRF स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर इट्स प्रॉब्लम, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो इनिशिएशन, रिस्पांस, फीडबैक और IFE इज अ पैटर्न ऑफ डिस्कशन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। द टीचर इनिशिएट्स, द लर्नर रिस्पॉन्ड्स एंड द टीचर गिव्स फीडबैक। This approaches to exchange to the exchange of information in the classroom has been criticized as being more about the learner saying what the teachers want to hear them really communicating. ठीक है, इसमें देखिए भैया कुछ नहीं है, IRF एक initiation response feedback। initiation में क्या होता है, teacher ने पढ़ाना start किया, बच्चे ने response दिया, फिर अंतिम में teacher ने feedback दिया। देखिए teacher ने आपको दहेज प्रथा के बारे में बताया, ठीक है, आपने उसके रिस्पॉन्स में कहा कि हाँ ये कुरीति नहीं, ये अच्छी रीति है, आपने आप में से किसी बच्चे ने बोल दिया ये अच्छी रीति है। अब ये बात टीचर को पसंद नहीं आई तो उन्होंने फीडबैक में कह दिया कि भैया तुम गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो इनिशिएशन रिस्पॉन्स फीडबैक में क्या होता है, या एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है या फिर एक तरीके का पैटर्न होता है जिसमें टीचर अपनी बातों को रखता है, फिर इन रिस्पॉन्स बच्चे उस पर कुछ बोलते हैं और फिर टीचर उस पर लास्ट में फीडबैक देता है कि भैया तुम सही हो या गलत हो। दहेज प्रथा के बारे में टीचर ने बताया, आपने उसके बारे में फिर आपसे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं दहेज प्रथा के बारे में, आपने बताया अच्छी नीति है, ये है वो है, आपने जो टीचर से सुना उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपने टीचर को बता दिया, इन लास्ट टीचर आपको बोलते हैं भैया ये सही है या अथवा गलत है। तो यही होता है IRF का स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी कभी टीचर क्या होते हैं, बाइस्ड होते हैं, ठीक है, बाइस्ड मतलब वो कुछ पुराने विचारों से ग्रसित होते हैं और इस वजह से वो क्या करते हैं, कभी कभी स्टूडेंट को गलत साबित कर देते हैं, स्टूडेंट को फीडबैक में बोलते हैं भैया ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये गलत है, तुमने जो लिखा है ये गलत है। होता ना किसी किसी टीचर को किसी स्टूडेंट से दुश्मनी हो जाती है, उनको स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तो वो बार बार क्या करते हैं, उस स्टूडेंट के पीछे लग जाते हैं, पड़ जाते हैं, एक तरीके से परेशान करते हैं। तो यही इसी वजह से इस IRF स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज किया जाता है। हालांकि ये अच्छी बात है, एक तरीके से टीचर को इनिशिएट होना चाहिए, टीचर को कन्वर्जेशन इनिशिएट करना चाहिए, टॉपिक वगैरह बताना चाहिए, फिर बच्चे से रिस्पॉन्स लेना चाहिए और लास्ट में बच्चे को फीडबैक देना चाहिए, ठीक है। ये तब सही है जब टीचर अनबाइस्ड हो, मतलब किसी भी तरीके से पुराने रूढ़िवाद से ग्रसित ना हो और बच्चों की फीलिंग्स को समझे, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर। इसको अब इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मटेरियल एडेप्टेशन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड रीजन ऑफ मटेरियल एडेप्टेशन। तो मटेरियल मतलब क्या हो गया कि मतलब जो स्टडी मटेरियल इसको कह सकते हैं, इसका एडेप्टेशन क्या होता है, इसका अनुकूलन क्या होता है, ठीक है। मटेरियल मतलब जो पढ़ने लिखने से संबंधित जो आपके पास मटेरियल है उसका एडेप्टेशन क्या होता है, या टीचर जब पढ़ाते हैं तो यही ऊपर में मैंने आपको बताया ना कि एक अच्छे टीचर के टीचर को किन के स्टडी मटेरियल्स को पढ़ाना चाहिए, वही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई। तो मटेरियल एडेप्टेशन इज अ जनरल टर्म फॉर द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मेकिंग चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग मटेरियल टू द बेटर सुट स्पेसिफिक लर्नर टीचर्स एंड कंटेक्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव लर्निंग। देखिए ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ से बता रहा हूँ, मैं आपको ये सारी चीज़ें इग्नू के BEGS 185 बुक से बता रहा हूँ ना, एम आई राइट और नॉट। तो आपका आंसर होगा यस सर, आप सही बोल रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ों को इग्नू के बुक से उठा करके लाएं। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या मैं पूरी की पूरी बुक को अगर आपको बताता तो मैं एक घंटे या दो घंटे में लेक्चर फिनिश कर पाता क्या, आपका आंसर होगा नहीं सर। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जिस्टिंग मटेरियल में चेंज कर दिया मतलब मैं उन्हीं बातों को उठा कर ले आया हूँ जिनकी ज़रूरत है और जिनकी आवश्यकता नहीं है, मैंने उसको छांट दिया। या फिर मैं आपको बुक पढ़ाता तो मैं बुक से वही उन्हीं सारी बातों को निचोड़ कर ले आता और बुक में वही सारी बातों को पढ़ाता जो आपके लिए सुटेबल है और जो नहीं होता उसको मैं छोड़ देता। तो यही प्रक्रिया जो है मटेरियल की एडेप्टेशन कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग बुक मटेरियल से अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को हटाया जाता है और नई चीज़ों को जोड़ा जाता है या फिर जो चीज़ें पहले से दी हुई उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो इसी मेथड को हम क्या कहेंगे, मटेरियल एडेप्टेशन की संज्ञा देंगे, ठीक है। अब देखिए रीज़न क्या होता है एडेप्टेशन किया, रीज़न क्या होता है, तो कभी कभी बुक में क्या होता है कि ग्रामेटिकल एरर होते हैं या ग्रामेटिकल कंटेंट उतना दिया हुआ नहीं होता है, तो उस ग्रामेटिकल कंटेंट को ठीक करने के लिए, कम जो है उसको सही करने के लिए क्या होता है, एडेप्टेशन किया जाता है। जैसे आपके सामने BEGS 185 की बुक हो, ठीक है,
और आप पढ़ने को बैठ गए, आपको कुछ लाइनें ऐसी मिल जाएंगी जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए किसी रिफरेंस ग्रामर को यूज़ करेंगे। उस ग्रामर को यूज़ करने के बाद आप उस मीनिंग को समझेंगे, उस लाइन को समझेंगे, और समझने के बाद हो सकता है साइड में, बुक के साइड में BGS 180 बुक 5 के साइड में आप लिख देंगे हाँ इस लाइन का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से क्या आपने एडप्टेशन किया, ठीक है, आपने ग्रामर का एडप्टेशन किया। नोट कम्युनिकेटिव इनफ, हो सकता है ये बुक आप पढ़ रहे होंगे ये आपको अच्छा ना लगता हो, आपको लगता है इसमें कंटेंट कम दिए गए हैं, इससे आप इस बुक को पढ़ के आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन का पता ना चल रहा हो, तो हो सकता है आप अलग बुक को पढ़ेंगे और उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करेंगे, तो उस सिचुएशन को भी हम क्या कहेंगे, एडप्टेशन कहेंगे। तो एडप्टेशन क्यों जरूरी है, जब कभी ग्रामेटिकल कंटेंट कम हो या कम्युनिकेशन सही नहीं हो तब भी एडप्टेशन जरूरी हो, या फिर हो सकता है अप्रोप्रिएट लेवल का कंटेंट ना हो, सकता है आपको ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता है लेकिन उसमें कम नॉलेज दिया हो, या फिर आपको कम नॉलेज की आवश्यकता है उसमें ज़्यादा दिया हो, तो फिर वो आपके अप्रोप्रिएट लेवल का नहीं है, तो इस वजह से भी एडप्टेशन होता है। जैसे अगर आप CBSE बोर्ड वगैरह के स्टूडेंट हैं तो आप NCERT को पढ़ते होंगे 10th क्लास में साइंस में, तो आप ये देखते होंगे NCERT जो है साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 200-300 पेज में खत्म हो जाती है, लेकिन एस चांद की बुक उठाते हैं एक फिजिक्स 300 की है, बायो 300 की है, केमिस्ट्री 400 की है, इसी तरीके से बुक के पेज है, बताइए 900 पेज है इसमें और इसमें है 300 पेज, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको CBSE बोर्ड की परीक्षा पास करनी हो तो उसके लिए NCERT इनफ होगी, वो एस चांद पढ़ के क्या करेंगे। अब जिनको नीट या IIT वगैरह की तैयारी करनी है तो उसके लिए NCERT इनफ नहीं होगी, उन्हें एस चांद वगैरह पढ़ना होगा, तो इस तरीके से अप्रोप्रिएट लेवल का मटेरियल नहीं होता, इस वजह से भी एडप्टेशन होता है, ठीक है। लेसन्स में टू लॉन्ग और शॉर्ट, हो सकता है NCERT में कुछ लेसन शॉर्ट दिए गए हो और स्टूडेंट को इससे ज़्यादा की जरूरत हो तो एडप्टेशन होगा, बच्चे को एस चांद वगैरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से स्किल फोकस और नोट फोकस नोट बैलेंस्ड है, फिर सीक्वेंस और ग्रेडिंग में भी इन अप्रोप्रिएट हो सकता है कि जो सीक्वेंस आपको बताया जा रहा है वो गलत हो सकता है बुक में, कहीं ऐसा है पहले आपको प्लांट के बारे में नहीं बता करके पहले आपको फोटोसिंथेसिस बता दिया जाए, बाद में बताया जाएगा कि प्लांट क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, तो गलत हो जाएगा ना। पहले आपको प्लांट के बारे में बताया जाएगा तब ना आपको बताया जाएगा भैया फोटोसिंथेसिस क्या है, तभी तो आप समझेंगे ना। तो इस तरीके से सीक्वेंस एरर को भी ठीक करने के लिए मटेरियल एडप्टेशन की जरूरत होती है। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर, ऑल दिस पॉइंट्स आर नाउ क्लियर। अब देखिए एडप्टेशन की मेनली तीन टेक्निक्स होती है, पहला तो होता है एडिशन, ठीक है, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन और तीसरा होता है मॉडिफिकेशन। क्या होता है? मॉडिफिकेशन। तो एडिशन की अगर हम बात करें तो ये मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम कंटेंट में कुछ नई चीजों को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे आपने BEGS 185 बुक की बुक खोल ली, ठीक है, आपने एक चैप्टर उठाया, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको कई सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जिसकी मीनिंग आपको पता नहीं है, आपने क्या किया, दूसरे वर्ड मीनिंग की डिक्शनरी से वर्ड्स के मीनिंग उठाए और वहाँ पर क्या किया, बुक के बगल में चैप्टर के बगल में आपने सारे वर्ड्स के मीनिंग लिख दिए, तो आपने क्या किया, एडिशन कर दिया, ठीक है, समझे ना मेरी बात को आप लोग। या हो सकता है कि कुछ ग्रामर आपको पता ना हो, आपने दूसरे ग्रामर से उन सभी चीज़ों को देखा और उसी चैप्टर के बगल में आपने सारी चीज़ें लिख दी, तो ये हो गया एडिशन। अब बात करते हैं डिलीशन, डिलीट करना, डिलीशन मतलब डिलीट करना, उड़ा देना। अब BEGS 185 की बुक 300 पेज की है, ठीक है, आपको ज़रूरत है 150 पेजेज की, आपको इसमें से कई सारे कंटेंट ऐसे हो जाएंगे जिसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, जिसकी आवश्यकता नहीं आप उसको पढ़ेंगे नहीं, तो ये हो गया डिलीशन। अब है मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि कंटेंट को ना डिलीट किया जाता ना ऐड किया जाता बल्कि एग्जिस्टिंग कंटेंट में थोड़ी बातों को ऐड कर दिया जाता है। जैसे हो सकता है फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताया गया, इसको इरेज करता हूँ, छोड़िए फोटोसिंथेसिस को छोड़िए, हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनता है, ठीक है, ये आपको बताया गया होगा, तो हो सकता है आपको नहीं पता हो C6H12O6+O2 को जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या होता है CO2+H2O+ एनर्जी बनता है, ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, यही एनर्जी हमारे बॉडी में काम आती है, ठीक है। तो हो सकता है आपके बुक में यहाँ पर ये O2 कहाँ से आया ये न लिखा हो, ठीक है, बुक में ये तो लिखा है ये रिएक्शन, ये O2 ऑक्सीजन आया कहाँ से ये बताया ना गया हो, तो दिक्कत है, या फिर ये CO2 जो बना है ये हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को पता होगा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले करके अपने बॉडी में स्टोर करने लगे तो हम लोग ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं रहेंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो कंटेंट यहाँ पर क्या है, इनफ नहीं है, तो इसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा, कुछ बातों को एग्जिस्टिंग कंटेंट में मॉडिफाई किया जाएगा। तो ये O2 आया कहाँ से, हमने ब्रीदिंग किया, हमने सांस ली, ठीक है, और CO2 जो हमारे बॉडी में वो कैसे निकलेगा, तो ये भी ब्रीदिंग से निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। अब एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो एडिशन है, डिलीशन है या फिर मॉडिफिकेशन है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, तो एग्जैक्टली इसको अलग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है,
तो एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, जैसे ये जो स्लाइड वगैरह चल रही है ये आपके सामने में, इसमें एडिशन भी किया गया है, आपके बुक से कंटेंट उठाए गए हैं, ठीक है, जो जरूरत के कंटेंट है वो तो रखा गया है, लेकिन उसमें से कुछ कंटेंट को डिलीट कर दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, कुछ कंटेंट ऐड भी किए गए हैं जिसकी जरूरत थी, और कुछ कंटेंट को मॉडिफाई भी किया गया, एज इट इज बुक से उठाया गया, उसमें कुछ चेंजेस किया गया और यहाँ पर चिपका दिया गया। तो ये क्या हो गया, एडिशन डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। आई होप ये सभी बातें आप लोग समझ गए होंगे। भैया मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस और मेथड्स यूज्ड इन इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब समझते हैं दोस्तों, समझते हैं क्या? नहीं समझते, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मूल्यांकन मतलब जांच करना, आपने क्या पढ़ा है उसकी जो टेस्ट होती है ना उसे हम इवेल्युएशन कहते हैं। जैसे आप स्कूल वगैरह में जाते हैं ना टेस्ट देने के लिए, तो ये क्या है, इवेल्युएशन है। आप लोग इसको टेस्ट बोलते हैं, एग्जाम बोलते हैं, जो इच्छा होती है वो बोलते हैं। तो ये इवेल्युएशन है, इस टर्म को क्वाइंड किया था रॉल्फ डब्ल्यू टेलर ने, ये एक अमेरिकन एजुकेटर थे। हालांकि ये एकदम सिद्ध नहीं हुआ कि इन्होंने ही बताया था इसके बारे में, लेकिन माना जाता है कि इसी ने ही बताया था कि इवेल्युएशन क्या होता है। इवेल्युएशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम स्टूडेंट की लैंग्वेज की सॉरी लर्निंग कैपेसिटी को जान सकते हैं, जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि स्टूडेंट ने क्या अचीव किया है, और सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव बाय पुपिल्स। स्टूडेंट ने क्या प्राप्त किया, क्या पाया, इसको जानने की जो टेक्निक है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इवेल्युएशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मुद्दे की बात आती है कि इवेल्युएशन के लेवल्स क्या हैं। तो देखिए दोस्तों इवेल्युएशन के 3 लेवल हैं, सेल्फ रेफरेंस्ड, क्रिटेरियन रेफरेंस्ड, और तीसरा क्या है वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ, नॉर्म रेफरेंस्ड। अब सेल्फ रेफरेंस्ड की बात करते हैं, तो ये जो होता है एक स्टूडेंट का क्या होता है, परफॉर्मेंस बताता है, लेकिन इसमें कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ रेफरेंस्ड में क्या होता है, जैसे आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, दिन भर आपने पढ़ लिया, एक सप्ताह तक आपने पढ़ाई की, अगले सप्ताह में आपने सोचा कि चलो भैया मैं खुद का टेस्ट ले लेता हूँ। आपने जो पढ़ा एक एक सप्ताह के अंदर, आपने किसी भी जगह से अपने आपने अपने भाई को कहा कि भैया तुम मेरे लिए 10 क्वेश्चन बना दो और 10 क्वेश्चन के मैं टेस्ट दूंगा। आप उसके टेस्ट देते हैं और आप देखते हैं कि आपको इतना नंबर आया, इतना नंबर आया, फिर आप इससे संतुष्ट होते हैं या फिर आपकी कमी आपको पता चलती है। तो इस तरीके का मेथड जो होता है इवेल्युएशन का, उसे हम सेल्फ रेफरेंस्ड मेथड ऑफ इवेल्युएशन कहेंगे। अब देखिए ये स्टूडेंट के बीच में होता है, 40 स्टूडेंट को एक साथ बैठा दिया गया, 40ों का टेस्ट ले लिया गया, 40ों के रिजल्ट पब्लिश कर दिए गए। अब 40ों में हर एक को मौका मिल गया कि वो अपने कंपिटेटर 39 से अपने आप को कंपेयर कर सके। तो ये सेल्फ रेफरेंस्ड हो गया। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो अपनी कमी अथवा खूबियों को जानते हैं, इज दैट क्लियर। अब है क्रिटेरियन रेफरेंस्ड, एनी कोर्स वुड हैव अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड यू वुड एक्सपेक्ट देयर स्टडी स्टूडेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव बाय द टाइम द कोर्स कम टू कम्प्लीशन। इन दिस टाइप यू विल एनालाइज हाउ स्टूडेंट आर प्रोग्रेसिंग बाय कंसिडरिंग द लर्निंग आउटकम्स। देखिए कोई भी कोर्स होता है, ठीक है, कोर्स जब कंप्लीट होने को रहता है तो स्टूडेंट से आशा की जाती है कि कोर्स का जो उद्देश्य है उस कोर्स के उद्देश्य को स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है, तो उस समय जो टेस्ट लिया जाता है उसे हम क्रिटेरियन रेफरेंस्ड कहते हैं। जैसे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लेते हैं आपको गाड़ी खोलने के बारे में बताया गया, एक ऑटो व्हीकल, एक मोटरसाइकिल, या आपको हो सकता है कि कार वगैरह खोलने के बारे में बताया गया। 6 मंथ का आपने कोर्स किया कि आपको कार को खोलना है, लगाना है, ठीक है। आपने कोर्स स्टार्ट करी, 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ आता है लास्ट मंथ, तो 5 महीने आपने सीखा। तो सीखने का क्रिटेरिया क्या था, आपको सीखना क्या था, गाड़ी को खोलने सीखना था। 5 मंथ आपने सीखा, 6th मंथ आपका कंप्लीशन का टाइम है, कोर्स आपका कंप्लीट हो रहा है, तो जो आपको सिखा रहे थे वो आशा करेंगे ना कि भैया 6 महीने में जो इतनी मेहनत की है मैंने, तो बच्चे ने एक मिनिमम क्रिटेरिया तो पार कर ही लिया होगा कि वो हो सकता है पूरा गाड़ी ना खोल सके, कम से कम इंजन तो खोल ही सकता है, इंजन को खोल के तो लगा ही सकता है भैया, इंजन ना सही कम से कम हाफ इंजन को खोल के तो लगा ही सकता है। तो एक तरीके से ये क्रिटेरिया हो गया कि कम से कम तुम इतना सीख गए तो इसका मतलब तुम सीख गए। तो इस सिचुएशन में जो इवेल्युएशन होता है इसे हम क्रिटेरियन डिफरेंस इवेल्युएशन कहते हैं। अब देखिए 6 मंथ तक ट्रेनर ने उसको ट्रेनिंग दिया, 6th महीने में कहा कि भैया चलो भैया तुम पूरा गाड़ी नहीं खोल सकते हो, कम से कम हमको एक इंजन खोल के दिखा दो, इंजन मतलब हाफ इंजन खोल के दिखा दो, हम समझ जाएंगे कि तुमने सब कुछ सीख लिया। अब है नॉर्म रेफरेंस,
थ्रू दिस टाइप यू विल एनालाइज हाउ द स्टूडेंट परफॉर्म इन कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट इन द क्लास. यू कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हाउ स्टूडेंट परफॉर्म इज डिफरेंट एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू ब्रिंग इन चेंज दैट कैन अल्टर द वे टू वे द वे दे लर्न. दिस हेल्प्स देम टू फाइंड आउट द स्ट्रेटजीज दैट वर्क बेस्ट फॉर देम. तो नॉर्म रिफ्रेश में क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट जो क्लासरूम वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आखिर जो वो पढ़ते हैं तो एक होता है ना कि भैया इतना चीज़ तो सीखना है, इतना चीज़ तो जानना है. तो इस सिचुएशन में टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और बताया जाता है कि तुम्हारी ये कमी है, तुम इसको ठीक करो. और इसको ठीक करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज तैयार की जाती है, तो उस तरीके का इवैल्यूएशन क्या हो गया, नॉर्म रिफरेंस इवैल्यूएशन कहलाएगा. ठीक है, हालांकि ये तीनों भी इंटरकनेक्टेड हैं, पकड़ पाना असंभव है कि कहना क्या चाह रहा है ये एग्जैक्टली. टाइप ऑफ इवैल्यूएशन की बात करते हैं, एक सेकंड लगता है एक वाला, हाँ ये हो चुका है मिस्टेक. तो तीन तरीके का इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव, सुमेटिव और डायग्नोस्टिक. तीन तरीके का इवैल्यूएशन होता है. ऊपर जो मैं आपको बता रहा था, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ये लेवल्स थे इवैल्यूएशन के, तीन लेवल्स थे. और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तीन टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के, क्या समझे. तो पहला है फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव की बात करते हैं सबसे पहले. फॉर्मेटिव होता क्या है, तो ये होता है रचनात्मक. सुमेटिव क्या होता है, सुमेटिव मतलब हो गया सारांशीय. और डायग्नोस्टिक का मतलब हो गया आपको जांच, ठीक है. तो फॉर्मेटिव एक तरीके का, फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन एक कॉमन इवैल्यूएशन होता है जो कि स्कूल्स वगैरह कॉलेज वगैरह में होते हैं. टीचर और एजुकेटर जो है क्या करते हैं कि वीकली या मंथली बेसिस पर स्टूडेंट के टेस्ट लेते हैं, ठीक है. जैसे कि टीचर ने क्या किया, एक टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे क्लाइमेटिक चेंज के बारे में टीचर ने पढ़ा दिया, पूरा पढ़ाने के बाद वो बच्चे को बोलते हैं भैया कल आप तैयारी करके आइएगा, कल इसका टेस्ट लिया जाएगा. क्लाइमेटिक चेंज के बाद हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाई गई हो, हालांकि क्लाइमेटिक चेंज के अंदर ही ग्लोबल वार्मिंग आ गया होगा, ग्लोबल वार्मिंग छोड़िए इकोलॉजी पढ़ाई गई हो सकता है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई गई हो, और एक मंथ में ये पढ़ाया गया हो, एक एक सप्ताह करके ये पढ़ाया गया हो. तो टीचर क्या करते हैं, इन तीनों का टेस्ट लेते हैं. और इन तीनों का जो टेस्ट लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, हो सकता है वीकली मंथली बेसिस वगैरह पे लेते होंगे. तो इस समय जो टेस्ट लेते हैं और बच्चे में जो कमियां होती है उसको पकड़ के, उसको ढूंढ के बच्चे को जो बताते हैं, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया. और ये कॉमन इवैल्यूएशन होता है, और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि साल में कई बार होता है, मंथ में दो बार तीन बार हो जाता है. अब बात करते हैं सुमेटिव असेसमेंट, ठीक है. ये एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर होता है, और इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के एकेडमिक करियर को चेक किया जाता है कि भैया इसने कितना पढ़ा, कितना सीखा, इसका करियर आगे क्या होगा. जैसे मान लेते हैं ये क्लाइमेटिक चेंज, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद पॉल्यूशन, हो सकता है मान लेते आपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की एक कोर्स ज्वाइन की, ठीक है. इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये 6 मंथ का कोर्स है, ठीक है. 6 मंथ तक आपका मंथली वीकली बेसिस पे टेस्ट हुआ, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया. अब 6 मंथ तक आपको जो पढ़ाया गया सबका अगर एक साथ टेस्ट होता है, सारे चीज़ क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन वगैरह सबको मिला करके एक बार टेस्ट लिया जाता है, और आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, और आपको बताया जाता है कि आप इससे अब इसमें आगे कितना जा सकते हैं, या आपके लिए इतना इनफ है, आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो सारी चीज़ आपको बताई जाती है. तो वो सुमेटिव इवैल्यूएशन हो गया, मतलब लॉन्ग टर्म पे जो इवैल्यूएशन हो गया वो सुमेटिव, और जो शॉर्ट टर्म पे इवैल्यूएशन हुआ उसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं. अब है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये वेरी सिमिलर होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, ठीक है. इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के वीकनेस को पता करने की कोशिश की जाती है, ठीक है. अब वीकनेस को कैसे पता किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ. देखिए जैसे आपने पहला टेस्ट दिया 1 मंथ में, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया, फिर वीकली बेसिस पे टेस्ट दिया, सारे बेसिस पे आपने टेस्ट दिए और सबका एक रिपोर्ट तैयार कर लिया, ठीक है, कि आपको पहले में इतना नंबर आया, दूसरे में इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, ठीक है. उसके बाद आपको पहले में आपको इस कमी का पता चला, दूसरे में आपको ये पता चला कि ये कमी है, तीसरे में ये पता चला कि ये वाली कमी है. तो ये जो इस तरीके का इवैल्यूएशन हुआ, एक तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हुआ, जिसमें कि मंथली और वीकली बेसिस के जो रिपोर्ट है उसको सम्मिलित किया गया और पता किया गया कि भैया आपकी ये कमियाँ हैं, आप इसको सुधारिए, ठीक है. इज दैट क्लियर. कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग है, इसके बिना लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता है, तो ये जरूरी है, इसको करना चाहिए, ठीक है, क्लियर. अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट सर्विस एंड टूल्स. नॉर्मल है, इंटरनेट सर्विस अलाउ अस टू एक्सेस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, सॉफ्टवेयर,
ओवर द इंटरनेट फॉलोइंग डायग्राम शोज द फोर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटरनेट सर्विस। भैया ये तो नॉर्मल है, इंटरनेट सर्विस सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके सोशल मीडिया का है, जिससे आप लोग हमेशा चिपके हुए रहते हैं, दिन रात रील्स देखते हैं, BGMI खेलते हैं, इंटरनेट पर कोई कुछ भी जानने की जरूरत होती है आप इंटरनेट खोल के देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इंटरनेट सर्विस हो गया। इंटरनेट सर्विस आजकल सभी एक्सेस कर पा रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में 70 करोड़ लोग, इंडिया की पॉपुलेशन अभी ऑलमोस्ट 140 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। तो 140 करोड़ में से 70 करोड़ लोग, मतलब 50% लोग आजकल इंटरनेट एक्सेस करते हैं। और यहाँ तक आलम यह है कि अब इंडिया में शहरों से ज़्यादा गाँव में इंटरनेट को एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी इंटरनेट के माध्यम से लोग क्या कर रहे हैं, या तो बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सर्विस कैसे बात कर रहे हैं, या तो FB से, इंस्टा से, ठीक है, या व्हाट्सएप कॉलिंग से, ठीक है। इसे ही आप हम कह सकते हैं, इसे ही कहा जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट, ठीक है। मेरी ठीक है ठीक है बोलने की आदत बहुत खराब है, इसकी वजह से मुझे बच्चों से सुननी पड़ती है, बच्चे दो चार बात सुना देते हैं, सॉरी। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन रिट्रैवल सर्विस। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, आप तुरंत जाते हैं गूगल क्रोम से सर्च कर लेते हैं, तो इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको, क्लियर। वेब सर्विसेज हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है, यही WWW जो है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है पूरे इंटरनेट को एक जगह कनेक्ट करता है। वेब सर्विसेज जैसे कि आपको आजकल बहुत सारी सर्विसेज हो चुकी हैं, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, आपको डॉक्टर से जाके मिलना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, टेली काउंसलिंग हो रहा है, आप वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वेब सर्विस हो गया, इसको क्या बोलते हैं, टेली मेडिकल काउंसलिंग बोलते हैं शायद, हाँ टेली मेडिकल याद नहीं आ रहा है, शायद नीचे मैंने उसको ऐड किया है, अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में क्या बोलते हैं उसको। फिर वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, चलिए यहीं पर यही सारी चीज़ें लिखी हुई। ईमेल को ही इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, आप लोग देखते हैं ना, आप में से अधिकतर लोग SSC का फॉर्म जरूर भरते होंगे। SSC क्या करती है, एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको ईमेल में आपके एडमिट कार्ड भेज देती है। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन सर्विस हो गया। टेलनेट का क्या मतलब हो गया, टेलनेट का मतलब हो गया कि कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना, टेलनेट हो गया। न्यूज़ ग्रुप, कई सारे न्यूज़पेपर वगैरह, कॉमन इंटरेस्ट के वेबसाइट्स वगैरह हैं जो इंटरनेट पर न्यूज़ सर्व करते हैं, क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया, अगली स्लाइड तो आ जाओ। इंटरनेट रिले चार्ट IRC, ऑल ओवर वर्ल्ड से आप रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्काइप वगैरह पे आप बात कर लीजिए, टेलीग्राम वगैरह पे बात कर लीजिए। मेलिंग लिस्ट, वही है ईमेल का ही है मेलिंग लिस्ट, यूज टू ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स टू शेयर कॉमन इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल। वो मेलिंग लिस्ट होता क्या है वो आप नहीं समझेंगे, इंटरनेट में होता है सेंड इन ब्लू, उसके बाद और भी है वन सिग्नल वगैरह, क्या करते हैं एक ही साथ कई लोगों को मैसेज भेज देते हैं ईमेल में, तो वो मेलिंग लिस्ट वगैरह हो गया। इंटरनेट टेलीफोनी, यही हो गया है वॉइस ओवर इंटरनेट VOI, देखिए ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट टेलीफोनी बोल सकते हैं आप, इंटरनेट से बात करते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह से। इंस्टेंट मैसेजिंग, वही चैट, याहू मैसेंजर या वगैरह वगैरह पे जो चैट करते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रैवल सर्विस, सॉरी मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, वो टुक 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 हो रहा है। तो इंटरनेट रिट्रैवल सर्विस, ये भी आपके समझ से बाहर है क्योंकि इसमें ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP होता है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, वेबसाइट है ना, मेरी वेबसाइट पे आप लोग जाते हैं, एक कोई भी यही वाला स्लाइड मान लेते हैं, इसी BEGS 185 को परचेज करते हैं, PDF को पैसा देते हैं, पैसा देते के देने के साथ ही ये वाली जो PDF है, ये वाली जो स्लाइड है आप लोगों के लिए खुल जाती है। तो ये खुलती कैसे है, ये FTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही खुलती है। मैंने क्या किया है, अपने ऑनलाइन सर्वर में, अपने ऑनलाइन फाइल के अंदर इसको क्या किया है, इस वाले PDF को अपलोड कर दिया है, अपडेट कर दिया है। अब आप लोग क्या करते हैं, पेमेंट जैसे ही करते हैं तो मेरे फाइल से क्या होता है कि मेरे फाइल की जो एक कॉपी है, ये जो PDF है, इसकी एक कॉपी आपको ट्रांसफ़र कर दी जाती है आपके अकाउंट में। तो यही फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसकी आवश्यकता आपको है नहीं। आर्ची, अपडेटेड डेटाबेस ऑफ पब्लिक FTP साइट्स एंड देयर कंटेंट, इट हेल्प्स टू सर्च ए फाइल बाय इट्स नेम। तो ये आर्ची होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वेबसाइट्स वगैरह होती है ना, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप अगर कहीं पे मान लेते हैं कोई पेमेंट वगैरह करते हैं, जैसे मेरे वेबसाइट पे आप पेमेंट वगैरह करेंगे ना, तो मुझे पता चलेगा कि भैया ये आपका नाम है और आपने ये वाला ऑर्डर किया, आपकी ऑर्डर ID वगैरह ये है। तो ये डेटाबेस हो गया एक तरीके से। तो इस डेटाबेस को जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे मान लेते हैं आपने ऑर्डर किया, आपने ये वाली PDF खरीदी और आपको PDF मिला ही नहीं,
आप मुझे मैसेज करते हैं और आप मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, मैंने ये पीडीएफ परचेज कर लिया लेकिन वो मेरे को मिल नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि सर आप मेरे को ये बता दीजिए, बच्चों आप बच्चे आप मेरे को ये बता दीजिए कि आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया और साथ ही आपने आपका ऑर्डर आईडी क्या है, आपका पेमेंट पेमेंट रेफरेंस आईडी क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर, जाता हूँ चेक करता हूँ, हाँ ये बच्चे ने इसको ऑर्डर किया है, इसकी ऑर्डर आईडी ये है, रेफरेंस आईडी ये है। तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस चेक करने के बाद वो चीज़ें अवेलेबल करवा के दे देता हूँ। यही हो गया, क्लियर। अब गोफर, यही अभी तुरंत ऊपर में मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट वगैरह जो साइट्स वगैरह पे दिखते हैं, वेरी इजी रोडेंट ओरिएंटेड नेट नेट वाइड इंडेक्स टू कंप्यूटर, ये सब आपके काम की चीज़ है नहीं, छोड़िए इसको, रहने दीजिए। ये गोफर सर्वर्स वगैरह है, ये आपके समझ से बाहर हैं, समझ से बाहर नहीं मतलब ये उतना रिलायबल है नहीं, इंपॉर्टेंट था तो मैंने ऐड कर दिया। वेब सर्विस, वेब सर्विस के बारे में बताना क्या, तभी तो वेब सर्विस ही बता रहा हूँ। ये अंशु पब्लिशर डॉट कॉम, ये भी वेब सर्विस है। फिर वो आपको क्या कहते हैं, वेब सर्विस के अंदर वो टेलीपैथी टेली काउंसलिंग वगैरह जो है, ये सब क्या है, वेब सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब, W3W के नाम से जानते हैं हम, और ये इंटरनेट इंटरनेट को एक्सेस करने का यही साधन है। WWW के माध्यम से ही हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, इसी WWW से हमको ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक वगैरह देखने को मिलता है, बात खत्म, इसमें क्या है। और इसी WWW से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज लैंग्वेज टेस्टिंग, लैंग्वेज टेस्टिंग इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ टेस्टिंग दैट असेस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर पार्टिकुलर लैंग्वेज। लैंग्वेज टेस्टिंग इज यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस इन एकेडमिक सेटिंग्स, लैंग्वेज टेस्टिंग कैन असेस अ स्टूडेंट्स करंट एबिलिटीज और प्रोग्रेस फॉर द पर्पस ऑफ द एकेडमिक कंटेंट। इन प्रोफेशनल सेटिंग्स लैंग्वेज टेस्टिंग कैन डिटरमाइन वेदर ए कैंडिडेट हैज द लैंग्वेज स्किल्स नीडेड फॉर अ जॉब, वाट एवर द कंटेक्स्ट, लैंग्वेज असेसमेंट कैन इफेक्टिवली मेजर ए पर्सन लैंग्वेज एबिलिटीज। देखिए लैंग्वेज टेस्टिंग में कुछ नहीं होता, ये एक तरीके का टेस्ट है जिसके माध्यम से क्या होता है कि पर्सन की एबिलिटी, मतलब जो लर्नर्स होती है उसकी एबिलिटी को पता किया जाता है कि बंदा जो है कितना ज़्यादा लैंग्वेज को जानता है, कितना अच्छे से जानता है, यही लैंग्वेज टेस्टिंग है। लैंग्वेज टेस्टिंग बोलिए या सब्जेक्ट टेस्टिंग बोलिए, जो आपकी इच्छा है वो बोलिए। देखिए कुछ फॉर्म्स होते हैं लैंग्वेज टेस्टिंग के, कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे और इसके साथ ही शायद हम लोगों का ये वीडियो सेशन एंड होने वाला है। अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट में क्या होता है, क्या होता है बताइए आप, जस्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलिए अचीवमेंट टेस्ट नॉर्मली फॉर्मेटिव टेस्ट ही हो सकता है, इसको फॉर्मेटिव टेस्ट आप कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं मैं बताता हूँ, आपने टेस्ट दिया, चार पांच टेस्ट वगैरह दे दिए, पहले टेस्ट में आपको 25 नंबर आया तो ये आपकी अचीवमेंट है, आपने क्या सीखा, क्या जाना एंड ऑफ द कोर्स। दूसरे में आपको 26 मार्क्स आया तो ये आपकी अचीवमेंट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये तो मैं बता चुका हूँ ऊपर में, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में बता चुका हूँ ना, 10 दिन 20 दिन का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, अपनी कमियाँ ढूंढ लीजिए, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, राइट और रॉन्ग का जो आंसर आप देते हैं उसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहेंगे, क्या सही है क्या गलत है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। प्लेसमेंट टेस्ट, आप कभी जॉब वगैरह में जाते हैं ठीक है, और आपको जॉब में जाने से पहले आपका प्लेसमेंट का टेस्ट होता है, आपसे एग्जाम वगैरह लिया जाता है, क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो वो प्लेसमेंट का टेस्ट हो गया। अब प्लेसमेंट का टेस्ट SSC वगैरह का एग्जाम भरते हैं, CHSL का एग्जाम देते हैं ना, Tier 1 Tier 2, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, ये सब क्या हो गया, प्लेसमेंट टेस्ट हो गया। ओरल टेस्ट, लर्नर्स के स्पीकिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए ओरल टेस्ट लिया जाता है, ओरल टेस्ट को आप कह सकते हैं इंटरव्यू, UPSC वगैरह में होता है ना, तो ये ओरल टेस्ट का एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ठीक है। शायद उसको UPSC में जो था उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, शायद पर्सनैलिटी टेस्ट ही बोलते हैं, हाँ पर्सनैलिटी टेस्ट ही बोलते हैं शायद, तो वो और ओरल टेस्ट कह सकते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देखिए इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज एबिलिटी एंड बेस्ट व्हाट इज नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, इंग्लिश और इंग्लिश फॉर सेक्रेटरीज, इंग्लिश फॉर कार मशीन। देखिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है कि देखिए इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश कई तरीके का है, नॉर्मल पहले तो मेन बात दो तरीके का है, फॉर्मल इंग्लिश इनफॉर्मल, फॉर्मल इंग्लिश ही बोलेंगे एक तरीके का है। एक सेकंड, ये क्या आ गया भाई, पीसी क्लीनर क्यों खुल गया, ये क्या बेहुदा मजाक हो गया भाई मेरे साथ, छोड़िए इसको इरेज करते हैं। हाँ चलिए, तो प्रोफिशिएंसी जैसे इंग्लिश में क्या आती है, इसके भी कई सब टाइप्स है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ फॉर्मली बात कर रहा हूँ, अब ऑफिस में मैं ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ ना, DM ऑफिस में जाऊँगा ऐसे बात करूँगा, नहीं हो सकता ना। बैंक में जाऊँगा वहाँ अलग इंग्लिश है, वहाँ डेबिट क्रेडिट होता है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किस काम की। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ये पता किया जाता है कि किस लर्नर को किस तरीके के टेस्ट की किस तरीके के नॉलेज की आवश्यकता है। मान लेते हैं मैं बैंक में जॉब करने गया, मेरे से इंग्लिश का टेस्ट लिया गया, तो वो जो इंग्लिश का टेस्ट लेंगे मुझसे ये पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, नहीं वो ये पूछेंगे कि भैया
अगर कोई कस्टमर आ करके बैंक में पेमेंट करता है तो दैट 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 पॉइंट दैट वर्ड विल बी नोन एज क्रेडिट और डेबिट, तो मुझे क्रेडिट डेबिट बताना पड़ेगा ना। तो इस तरीके का टेस्ट जो लिया जाता है वो प्रोफिशियंसी टेस्ट होता है। प्रोग्रेस टेस्ट तो यही है, पढ़ने सीखने के दरमियान, लैंग्वेज सीखने के दरमियान लर्नर ने क्या प्रोग्रेस किया है, कितनी बातें सीखी है, उसे प्रोग्रेस टेस्ट कहेंगे। मैंने आपको 50 वर्ड समझा दिए, 50 वर्ड बता दिए, अंतिम में मैंने आपसे टेस्ट ले लिया, 10 वर्ड्स को दे दिया आपको बनाने के लिए, बताने के लिए, तो जो आपने नंबर लाया वो प्रोग्रेस टेस्ट हो गया। सब्जेक्टिव टेस्ट, रिटर्न एग्जाम ले लिया मैंने आपका, 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, 50 क्वेश्चन के बाद मैंने 10 क्वेश्चन का रिटर्न एग्जाम ले लिया, तो वो सब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। समेटिव टेस्ट एंड ऑफ द ईयर, ये तो मैं बता ही चुका, लास्ट में जो टेस्ट होता है वो समेटिव टेस्ट हो गया, ओवरऑल अचीवमेंट टेस्ट बोल सकते हैं इसको। तो भैया इस तरीके से सारे डिस्कशन हमारे हो चुके हैं खत्म। अब चलिए इसको करते हैं क्लोज। वन मोर थिंग दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए जिसको अभी हमें डिस्कस करना है, प्रीवियस ईयर वाले, मैं उसको करता हूं ओपन। थोड़ा सा कर लीजिए वेट, डाउनलोड्स, और ये है जून 2022 वाला वीडियो, हो चुका है बहुत लंबा, तो मैं एक डिस्कस कर देता हूं और एक जो क्वेश्चन वाला है ये वाला, इसको मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। क्लियर, तो ये वाला कर देता हूं डिस्कस। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है बता चुका हूं, एस्केप होल्डिंग क्या है बता चुका हूं, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग CLIL जिसको मैंने बताया था ये भी मैं बता चुका हूं, स्पीच प्रॉब्लम, स्पीच एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, बोलिए नहीं बताया, डिजिटल चाटा लगेगा, सॉरी मैं मजाक कर रहा था, मैं मार नहीं सकता हूँ आप लोगों को, जस्ट मजाक कर रहा था। चलिए ये हो गया, हु आर अंडर प्रिवलेज लर्नर बता चुका हूँ, वाट मेक्स देम अंडर प्रिवलेज ये भी बता चुका हूँ, हाउ डू यू आइडेंटिफाई लर्निंग डिजेबल्ड चिल्ड्रेन, वाट डज ए टीचर नीड टू डिसाइड बिफोर प्लानिंग रीमेडिएशन लर्निंग डिजेबल्ड चिल्ड्रेन, मैं बता चुका हूँ, बोलिए नहीं बताया, बता दिया भाई। What are the things to kept in mind while preparing or choosing material? मैं बता चुका हूँ, बोलिए हाँ या नहीं। IRF structure, initiation, response, feedback, बताया या नहीं, हाँ बताया भाई बताया। Characteristic of underprivileged children, बोलिए नहीं बताया, मैं कहूँगा मैंने बताया फर्स्ट वाली वीडियो सेशन में है, जाके देख लीजिएगा। What is material adaptation, ये भी बता चुका हूँ, material अनुकूलन क्या है, क्या कारण है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है मटेरियल एडेप्टेशन के, भैया सब तो बताएं, ये बच्चा क्या। इंटरनेट पर टूल्स और सर्विस जो परोसे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कीजिए, क्लासरूम डिस्कोर्स फीचर्स को डिस्कस कीजिए, ठीक है, फिर वेरियस मेथड और प्रोसेस यूज इन इवेल्युएशन इसको डिस्कस कीजिए, बता तो दिए सब बच्चा क्या फिर। और ये छोटा सा है इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं बताने के लायक। सेंसरी प्रिफरेंस बता चुका हूँ, टीचर प्रिपरेशन बता चुका हूँ, आइसोलेशन बता चुका हूँ, आइसोलेशन मैंने कब बताया था, जब अंडर प्रिविलेज लर्नर्स के बारे में बताया था, एसेसिंग इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट वर्क बता चुका हूँ, ठीक है, मटेरियल प्रोडक्शन में पॉजिटिव निगेटिव ट्रेंड ये भी बता चुका हूँ, मटेरियल प्रोडक्शन के बारे में बता देना हो जाएगा, और ऑटोनोमस लर्निंग को सपोर्ट कैसे किया जा सकता है ये बता दिया हूँ, टॉपिकलाइजेशन क्या है, एडवांटेज क्या है टॉपिकलाइजेशन के ये भी बता चुका हूँ, शायद टॉपिकलाइजेशन मैंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ यहाँ शॉर्टकट में, देखिए शॉर्ट में मैं बताया, टॉपिकलाइजेशन क्या होता है, हर एक टॉपिक को सिक्वेंस में अरेंज करना और फिर उसको पढ़ाना या समझाना, यही टॉपिकलाइजेशन है, और शायद इसके बारे में मैंने बताया था लेकिन अलग नाम से बताया था, सिक्वेंसिंग करके बताया था, टॉपिक सीक्वेंस को टॉपिकलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। टॉपिकलाइजेशन में क्या होता है कि हर एक टॉपिक को सीक्वेंस में लाया जाता है। अब देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि पहले आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया जाए, पूरी रामायण कहानी बता दी जाए, और अंतिम में आपको प्लांट के बारे में बताया जाए, आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि प्लांट पहले जरूरी है, पहले प्लांट को जानेंगे तभी तो जानेंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है और कैसे होता है। हो सकता है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया गया, मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया गया, या फिर हो सकता है आपको एनर्जी कैसे बनती है इसके बारे में बता दिया गया, लेकिन आपको यह बताया नहीं गया कि एनर्जी सेल में कैसे बनती है और क्या प्रोसीजर है, तो ये दिक्कत है। तो टॉपिकलाइजेशन इसी जगह पे जरूरत होता है जहां पर सभी टॉपिक्स को अरेंज किया जाता है एक सीक्वेंस में और सारी चीजों को बताने की कोशिश की जाती है। क्लियर, और डिस्क्राइब द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये कुछ नहीं है भैया, टेस्ट वगैरह का जो वो है रूल है उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट।
व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग शुड बी मॉनिटर एंड हाउ कैन बी मॉनिटर देम, टेस्ट टाइप्स एंड पर्पस। टेस्ट का टाइप बता चुका हूँ, बोलिए नहीं, बोलिए हाँ हाँ बताया है भाई, मैंने बताया है। अब आगे क्या है, अंडर प्रिविलेज लर्नर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं इंग्लिश लर्निंग में वो बताइए, बता चुका हूँ। डिस्क्राइब ऑथरिंग टूल्स दैट आर यूज ऑन इंटरनेट, ऑथरिंग टूल्स लेखन लिखने के टूल्स के बारे में बताइए। तो www इंटरनेट पर, ब्लॉग वगैरह पर आप लिखते हैं, बोलिए हाँ या ना। ईमेल वगैरह पर आप लिखते हैं, FB पर भी आजकल लिखने का ट्रेंड चल चुका है, ट्विटर वगैरह पर लिखने का ट्रेंड हो चुका है। तो यही सब बताना है, फीचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, तो क्लासरूम डिस्कोर्स का फीचर बताना है, तो बताना क्या, सब तो बता ही दिए भाई, क्लियर। तो आई होप ये वीडियो सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो सेशन को देखने के बाद आप सभी अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर नाउ क्लियर एंड इफ द क्वेश्चन विल आस्क्ड इन एग्जाम यू विल आंसर द क्वेश्चन परफेक्टली, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। नाउ द वीडियो सेशन इज गोइंग टू द एंड, और इस वीडियो सेशन के बाद इस सब्जेक्ट का अन्य कोई वीडियो सेशन अभी आने वाला नहीं है। इन फ्यूचर अगर अभी आवश्यकता होगी कभी तो देखा जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो सेशन में कोई कमी अथवा त्रुटि रह गई तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।